टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फरजान शेख। उम्मीद करता हूं नए वाला साल बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे हाउस बैंड को। कैसे भाई लोग, सब ठीक ठाक मजे में? और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की, बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, जबरदस्त। और नया साल कैसा चल रहा है आपका? नया साल अच्छा चल रहा है और जैसे मैंने पहले बताया कि नई चीजें चल रही हैं, नई उम्मीदें चल रही हैं, नया काम चल रहा है। आदि भाई, एनर्जी कितनी जरूरी होती है? मुझे लगता है एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ना हो तो आपका निकाह भी टूट सकता है। निकाह भी टूट सकता है? जी हाँ, आपकी बेगम आपसे बोर होकर तलाक ले लेगी। तो एनर्जी जब आप घर में जाते हो, हेलो बेगम, हाउ आर यू, तो वो एनर्जी में वो खुश रहेगी, वरना वो बोर होकर बोलेगी। भाई मैं कह रहा हूँ इंसान की जिंदगी में एनर्जी कितनी जरूरी है। अच्छा, कहीं और चले गए? इंसान की जिंदगी में भी एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी तो हर चीज में काम आती है। अच्छा। जैसे आप जब खाना खा रहे होते हैं तब भी एनर्जी आती है, जब आप खाना निकाल रहे होते हैं तब भी एनर्जी चाहिए होती है। भाई जान, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इन लोगों की, लोग कहते हैं ना लोगों में पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी होती है आपके आसपास, आपके काम में, आपके लोगों के साथ, ये पूछा था मैंने। ये आप तो कहां चले गए? नहीं, मैं तो एनर्जी के उससे कह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको एनर्जी का पता ना हो या जब तक आपको उस पर भरोसा ना हो तब क्या हो गया भाई आपको? मैं सही बात कर रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, आप सही बात। तो जब तक आपको एनर्जी का पता ना हो ना तब तक आपको कुछ नहीं होता, ठीक है? लेकिन जिस दिन आपको उस पर यकीन आ जाए तो फिर बड़ी चीजें अच्छी और बुरी हो जाती हैं उससे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं इस बात को बहुत मानता हूँ कि मेरी एनर्जी, मेरे आसपास वालों की एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो बहुत सी मुश्किलात बहुत आसानी से गुजर जाती है। लेकिन अगर किसी हम में से एक की भी एनर्जी बुरी है तो वो उस जगह का माहौल खराब कर देती है। और क्योंकि हम इस बात पर यकीन करते हैं तो हम ज्यादा वो देख रहे होते हैं कि यार ये जो है ना ये थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर आपको उस पर ईमान आ जाए, आपको लगे कि ऐसा होता है तो फिर ये आपको बहुत अच्छा। आसपास तुम लोगों की एनर्जी कैच कर लेते हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत। मेरा तो ये वाला मसला है कि मैंने एक चीज शुरू की है या मैं करता था और अब मैंने बहुत ज्यादा करने लगी है कि मैं जाके सबसे मिलता हूँ, ठीक है? मैं पहले भी ये करता था लेकिन अब मेरा फोकस आ गया क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में देखा बहुत सारे लोग आपसे आके नहीं मिलते। हाँ। लोगों को ये लगता है कि अगर ये पहले आके मिलेगा तो मैं बड़ा फील करूंगा, इसलिए मैं तो नहीं इससे मिलूंगा, ठीक है? तो आई जस्ट कॉन्शियसली मैं जाता हूँ और मैं लोगों से बोलता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, जबरदस्त है। तो उससे ये होता है कि सबको, सबकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है आपस में, ठीक है? तो उससे फिर मुझे होता है कि यार मुझे जो भी देख रहा है ना वो मेरे बारे में कम से कम ये सोच रहा है कि यार ये अच्छा इंसान होगा। ओके, हाँ। अच्छा, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, हाँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं आपके साथ एक छोटा सा क्विज करता हूं। अल्लाह, अगर हम इस वक्त, मैं आपको नाम लेता हूं कैरेक्टर्स के और आपको बोलूं कि हमारे यहां से कास्टिंग करनी हो, मैंने, हाँ, तो आपके लिए कास्ट करेंगे, ताल्लुकात देखने पड़ेंगे, हाँ, जो भी है। अगर मैं कहूं आपको यहां से वंडर वुमन कास्ट करनी हो तो कौन होगी वंडर वुमन? मथीरा। क्या वंडर करती है यार, इतना ऐसा वो वंडर करती है, उसका इंस्टाग्राम देखे, हर तस्वीर में वंडर कर रही है वो। मैं आपसे कहूं बैटमैन को कास्ट करें तो किसको कास्ट करेंगे आप? बैटमैन, हाँ, बैटमैन मेरे हिसाब से नवीद रजा। क्यों? उसकी गाड़ी पे भी वो लोगो बना हुआ, टांग पे भी छपा के आ गया वह। अच्छा, मेहंदी का टैटू। वो कहते हैं कि बैटमैन दे दो, बैटमैन मरे जागे। स्पाइडरमैन कौन होगा हमारे यहाँ? स्पाइडरमैन छोटा सा तेज शार्प। हमारे यहाँ स्पाइडरमैन वैसे हो तो नहीं सकता। नहीं, क्यों? फंस जाएगा तारों में। लेकिन स्पाइडरमैन उंगलियाँ किसकी टेढ़ी हैं, उंगलियाँ भी सबकी सीधी हैं। स्पाइडरमैन इजाज़ असलम। इतना लंबा स्पाइडरमैन, इतना बड़ा मारेगा वेब में तो। अच्छा, किलो किलो का वेब, ठीक है? ये छोटा सा क्विज मैंने आपसे इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे गेस्ट हैं वंडर वुमन बनेंगे वो। नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई सुपरमैन बने ना तो इनको सुपरमैन कास्ट करना चाहिए। इनको देखते मेरे जहन में सुपरमैन आ जाता है। ये क्यों, अम्मी का दुपट्टा लेके घूमते रहते? नहीं बेटा, क्योंकि सुपरमैन की खास शख्सियत है ना, एक पर्सनैलिटी उसकी। हाँ, वो शरीर साथ में होता है तो फाड़ता है तो अंदर से सुपरमैन निकल आता है। शर्ट फाड़ता है जब तो अंदर से सुपरमैन निकल आता है। इनको देख के मुझे क्लार्क केंट याद आता है। कौन? क्लार्क केंट, जो कैट होती है भाई। भाई क्लार्क केंट जो के सुपरमैन का नॉर्मल कैरेक्टर जो है ना। अच्छा, वो असल में क्लार्क केंट है, वो बाद में सुपरमैन बनता है, ठीक है? केंट आपको पे नहीं पता ना, पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं, ठीक है ना? हमारे बचपन में तो वो आते थे अंकल सरगम बेटा। सॉरी
गरीब तरीका देखा, मैं भी उनको बचपन में देखता था। नहीं, मैं स्कूल जाने से पहले देखता, मजा आता था, मजा आता था, मुझे भी मजा आता जब मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत टैलेंटेड है, बहुत जबरदस्त एक्टर है, और मेरे हिसाब से अगर सुपरमैन बने पाकिस्तान में तो इनको क्लार्क कैंट बनना चाहिए, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी उनका ऑरा कुछ ऐसा है, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। हम इनको बुलाते हैं, फिर इनको थोड़ा तंग करते हैं, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर ज़ेलन बेग। सर गुड इवनिंग, वेलकम टू द मजेदार शो, प्लीज बैठिए, आइए सोफे पे। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छे खासे लंबे हैं माशाल्लाह। मुझे आपने चढ़ा दिया पगड़ के झाड़ पे, उसके बाद उतार दिया। नहीं यार वाकई मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे आपको देख के ना मुझे ये फील ऐसा होता है कि माशाल्लाह आप टॉल हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत जबरदस्त। हां क्या हैंडसम? हैंडसम है। हां तो तुमने हैंडसम क्यों किया? मैं कह रहा था कि लड़के को हैंडसम बोले तो मुझे अजीब सा लगता है। मुझे बताएं एक प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है, कोई स्क्रिप्ट आती है तो उसको हाँ करने का ना करने का प्रोसेस क्या होता है, ये मैं तमाम एक्टर से पूछता हूँ ताकि उनका प्रोसेस समझ में आ सके। तो क्या देखते हैं? मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं स्टोरी देखता हूँ, डायरेक्टर देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, पैसे देखता हूँ, को-एक्टर्स देखता हूँ, अपना किरदार देखता हूँ, क्या है वो प्रोसेस? ये सारी चीज़ें तो आपने गिनवा दी, मैं सबके हाँ। लिए हाँ बोलूँगा, लेकिन कोई मेरा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होता है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के अगर मज़ा आने लगे, ठीक है, और दिल करे कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं हो सकता हूँ, तो वो उसके लिए फिर ना हो नहीं सकती। अच्छा। ये स्क्रिप्ट का मज़ा क्या होता है, स्क्रिप्ट पढ़ते थे क्या करता हूँ? नहीं मतलब कहानी इंटरेस्टिंग होती है, आप चले जाते कहानी में, आप अपने कैरेक्टर में एंजॉय करने लग जाते हैं, अगर दिल करता है उसको मजीद आगे पढ़ते रहने का तो फिर यू नो आप ठीक है, यही जवाब होता है क्या? अच्छा लेकिन आपने कहा कहानी मजे की होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कहानी बहुत मजे की हो लेकिन आपका कैरेक्टर जो है वो उस हिसाब से ना हो कि मतलब आप ये बोलें कि उसमें एक आम रेगुलर कैरेक्टर है, उसमें कोई खास कुछ करने को नहीं है, सो वुड यू से यस टू इट और नो? हाँ अगर पैसे अच्छे दे रहे होंगे तो व्हाई नॉट। अच्छा मतलब आप कहते हैं कि मैं अगर कैरेक्टर अच्छा रहा तो कम से कम पैसे तो नहीं, कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कैरेक्टर पसंद आना सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। अच्छा और ये पसंद आने का क्राइटेरिया क्या है, कि क्या नंबर ऑफ सीन्स से आपको पसंद आना चाहिए या उसमें कोई सब्सटेंस हो? नहीं नहीं भले पांच सीन्स का कैरेक्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं कर भी चुका हूँ ऐसा, सिर्फ पांच सीन्स का कैरेक्टर था लेकिन वो मैंने किया और मुझे करने में मजा आया और लोगों को भी याद रहा, पसंद आया। नाम से एक सीरियल बना था एक और चैनल के लिए, तो उसमें सिर्फ पांच या छह सीन्स थे उसमें, मगर बहुत इम्पोर्टेंट थे और बहुत यू नो सब कुछ था उसके अंदर, उसके अंदर मोहब्बत भी थी, उसके अंदर अटेंशन थी, कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, उसके अंदर मार धाड़ भी थी, तो मतलब वो पूरी एक अपनी स्टोरी सब कुछ करने को मिला सिर्फ पांच सीन्स में। ठीक है, उसका नाम क्या था सीरियल का? सम्मी। हाँ उसका गाना मैंने सुना हुआ है। अच्छा सम्मी मेरी मार मेरी भाईजान, सम्मी मेरी वार, सम्मी मेरी वार, वो कोई और गाना है। अच्छा वो इसका गाना नहीं था, आपको गलत फहमी है इस बात, मैं सम्मी से सम्मी को जोड़ा। अच्छा मुझे ये बताया आपकी माशाल्लाह इतना अच्छा आपका वोकल है जी, कैसा? नहीं मैं ऐसे उसको मुझे दबाव में आ गया, मुझे बताया इतना अच्छा आपका वोकल है, ये पहले से ऐसा था या आपने प्रैक्टिस करके ऐसा वोकल किया या एज के साथ हो गया ये वोकल? नहीं शुरू से कुछ तो था ही, लेकिन उसके बाद फिर जब हम इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी होती है वोकल्स की, तो वो करनी ज़रूरी थी, ज़रूरी हो गई बाद में, तो वो की तो उससे बेहतर हो गई और बेहतर आवाज़ है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं एक्टिंग के लिए किसने इंस्पायर किया, अगर मैं बोलूं कि यार किसने बताया कि या किसने क्या देख किसको देख के लगा कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मगर ये कि बस वो बस हो गया था। हालांकि अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी मशहूर एक्टर हैं और कामयाब एक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा था कि मेरी वोकल्स की वजह से, उन्होंने कहा था कि मुझे ये नहीं कि मैं बड़ा कोई हैंडसम हूँ या गुड लुकिंग हूँ, बट मेरी वोकल्स की वजह से उन्होंने कहा था कि जाओ तुम्हें ड्रामे करने चाहिए, और मगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट एक ड्रामा बन रहा था दिल लगी नाम से, उसमें नदीम बेग साहब जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि इंसिस्ट किया कि कैरेक्टर करना है, तो बस वो किया, अच्छा लगा, लोगों को भी शायद अच्छा लगा, मुझे भी मज़ा आया, तो बस उसके बाद, वरना उससे पहले कुछ और करता रहा हूँ। तो मतलब आपने अच्छा। पहले सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग करनी है? कभी नहीं सोचा। तो इससे पहले क्या करते रहे यहाँ? वैसे मैं मॉडलिंग करता रहा हूँ साइड में, लेकिन उसके अलावा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है? वाओ।
और KPMG में जॉब कर रहा था पहले, तो उसके बाद बस फिर मुझे इसमें मजा आने लगा तो मैंने कहा KPMG बाय बाय। और ठीक है, तो इस मूव पे कितने लोगों ने जज किया, कितने लोगों ने सवालात किए, कितने लोगों ने डराया कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपना कैरियर स्विच कर रहे हो, तो आजकल तो आपको पता है इस पे लोग बड़ा सीरियस हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो देवर हैप्पी, उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, डैडी ने हमेशा मुझे कहा था कि यार जो भी करो पढ़ाई कंप्लीट कर लेना अपनी, वो हो गई थी। और मम्मी खुश होती थी मुझे टीवी पे देख के, तो शी वाज लाइक यार क्या बात है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। धन भाई ये बताइए 5+4 कितने होते हैं? 11। 9। ये झूठा बोल रहा है, ये सही नहीं किया मैं अपने हिसाब से। तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5+4 से एक जज किया है। मतलब वो नंबर ही होते हैं ना, इससे अंदाजा उनका तो नहीं हुआ, आपका हो गया कि आपने कितना पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये जैसे मैंने बोला कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स यकीनन होंगे, तो जब तक आप इस फील्ड में नहीं आए थे तो वो दोस्त दोस्त वाला सीन हो, अब ये तो नहीं बोलते कि यार अच्छा आप तो स्टार हो गए, आप थोड़ी बात करेगा, आप तो वो यार आप तो तुम भाई टीवी पे आते हो, ये वाले दोस्त भी होते ना कि अच्छा सही है भारी हो गया, भारी हो गया। हाँ एक्चुअली कल ही रात मुझे ऐसा एक फोन आया, बड़े अच्छा? दिन हो गए, उनसे पहले भी कभी मुलाकात होती थी लेकिन उनका फोन ही आया, यार अब तो मतलब तुम तो मिलोगे नहीं, अब करोगे, बात नहीं करोगे, अब तो हमारा फोन भी नहीं उठाओगे, तो यार मतलब अब तो होता है मगर बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि मेरे हमेशा से बहुत ही कम दोस्त रहे, तो वही आज भी दोस्त हैं, पहले भी वही थे और उनके साथ वैसे ही उठना बैठना और हल्ला गुल्ला है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने अंदर कोई तब्दीली फील हुई है या नहीं हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे हमेशा से ऐसे ही था, आज भी ऐसे। और आपको क्या लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें दोस्त होते हैं या सिर्फ ताल्लुकात होते हैं? गुगली, ये गुगली थी और हाँ मैंने इसको मैं स्वीप कर देता हूँ ताकि गुगली हो जाए ताकि जो दोस्त समझ के बैठे हुए हाँ, लेकिन नहीं दोस्त भी होते हैं और ताल्लुकात मेजरली तो ताल्लुकात ही होते हैं, क्योंकि आप सबसे तो इतनी अच्छी खासी इंडस्ट्री है, सबसे तो आप नई दोस्ती रख सकते हैं, तो दोस्त भी होते हैं लेकिन ज्यादातर ताल्लुकात ही होते हैं। अच्छा, किस तरह के लोग समझ में आते हैं दोस्ती के लिए और किस तरह के आप क्या क्राइटेरिया जज करने का कि यार इनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी और इनसे मेरी ये मेरे कुलीग रहेंगे? हाँ, जो अच्छी तरह से जो मिलता है, जो आपके साथ सभी अच्छे तरीके से जैन, हाँ बट है? जो लोग नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं आपको पता लग जाता है यार फेक है, अच्छा बुरी स्माइल दे रहा है यार, ये जो है ना मजा नहीं आया, ये जो है ना कुछ और इसके दिमाग अच्छा, में चल रहा है। और शुरू में बात करते हैं वाइब गेम आपका भी स्ट्रांग है, वाइब्स आप समझ जाते हैं कि ये बंदा मुझसे खुश है या मुझे ऐसी मिल रहा है। ऑब्वियसली सब आई थिंक सभी इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको पता लग जाता है कि कौन किस नियत से या किस तरह से मिल रहा है, तो आप पिक आउट कर लेते हैं यार ये मेरे दोस्त बन सकते हैं, मेरी अच्छी बातचीत हो सकती है, ये मेरे जो है ना बस ये कुलीग्स रहेंगे। हाँ हाँ ये साफ साफ बिल्कुल। और अगर ऐसे कोई कुलीग सेट पे मिल जाए जो कि आपको लग रहा हो कि यार बस बोले ठीक है यार नहीं करनी बात ये वो, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? नहीं ऑब्वियसली आई ट्राई माय बेस्ट, बट उसके साथ साथ फिर ये होता है कि बस वो एक कैरेक्टर वो है, एक कैरेक्टर मैं हूँ, मैं उनके साथ वही कैरेक्टर में पेश आता हूँ, वो मेरे साथ कैरेक्टर में पेश आते हैं, तो अच्छा लेकिन क्योंकि देखिए मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेकिन मगर हमारे प्रोजेक्ट्स क्योंकि इतने लंबे चलते हैं तो आप उनसे मोहब्बत से प्यार से, मेरा सवाल ये आने वाला था, हाँ, तो ज्यादा अच्छी कोशिश करते हैं हमेशा कि यार साथ में, क्योंकि आप जब अच्छे दोस्त होते हैं अच्छी बातचीत करते हैं तो केमिस्ट्री कंफर्टेबल बनता है, स्क्रीन की केमिस्ट्री अच्छी बनती है, तो वो जरूरी भी होता है। हाँ, so you put in your effort, यार ये मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे दूँ, बाकी दूसरे वाले की मर्जी है कि वो कहाँ ले जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। वेरी गुड जी, ये भी अच्छा है। ज़हन में मुझे बताएं आपकी शादी हुई है? जी हुई। कब हुई आपकी शादी? 2 साल हो गए। 2 साल। बेबीज हैं आपके? नहीं बेबीज नहीं आपके, क्यों नहीं? क्या है तुम्हें? क्या है? अच्छा जानना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा जानो जानो, मेरे भी आगे शादी होनी है यार, तो ठीक है मुझे पता होना चाहिए कितने साल बाद। जी बताइए क्यों, मतलब आपने मतलब आप अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या आपको बेबीज नहीं चाहिए घर में, रोना सोना नहीं सुनना, क्या करना है? नहीं ये अजीब सा सवाल है आपका, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देता हूं। मैं नर्स बस मैं आई थिंक सही तरह से अभी प्लान नहीं किया हमने, मे बी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। क्या हम भी चाहते हैं ना हम भी चाचू बने यार, हमारा भी कोई बच्चा बोले चाचू, ये तो हमें डिसअपॉइंट ही कर रहा है 2 सालों से अल्लाह की कसम। अच्छा आप भी? बस सर मैं चाचू हूं अल्हम्दुलिल्लाह, नस पे मेरे आप लोगों ने पैर रख दिए ये इनका काम है भाई, हम इनको आदि भाई को मनाते हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है ज़हन और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार, वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है ज़हन बेग और आप देख रहे हैं द मजेदार शो, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार, एक सवाल होगा आपसे, उसके दो जवाब होंगे, दो ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन पिक करना है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे आप जब तक हम आपसे नहीं मांगेंगे, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे जब तक हम आपसे नहीं मांगेंगे। ओके ठीक है, आपके सामने ये क्यों पड़ा है, अगर आपने हमारे आखिरी सवाल तक इसका हमारे आखिरी सवाल के जवाब तक इसको सॉल्व कर दिया तो हम आपको 3 लाख रुपए कैश देंगे, अभी तक 4 एक्टर कर चुके हैं।
तुम्हारे तुमको कोई सीरियस क्यों नहीं लेता इस बात पे? मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कर लेंगे। नहीं नहीं, आप आगे ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं, सर आप ट्राई तो करें। कर ले सर, आप कर बुलाओ है सर, आप ट्राई तो करें। ठीक है सर, तैयार हैं आप? चलें जी, पहला सवाल, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? पॉजिटिव। लाइव शोज या रिकॉर्डेड शोज? लाइव शोज। नान या पराठा? दोनों ही नहीं। नहीं नहीं, एक तो जवाब है। अच्छा चलें पराठा। ठीक है, टीवी या फिर फिल्म? टीवी। रिक्शा या फिर बस? रिक्शा। वोट या फिर आई डोंट केयर? वोट। पंक्चुअल या लेट? पंक्चुअल। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? यूट्यूब। ज्यादा चेक या कम का कैश? ज्यादा चेक। ज्यादा चेक, लेकिन चेक मिल जाते हैं यार, हमारे तो बड़ा मसला होता है सर, बन गया है लेकिन साइन नहीं हुआ। अच्छा, मुझे कभी मसला नहीं हुआ इसलिए मेरे। अच्छा, ताल्लुकात होंगे आप? ताल्लुकात भी नहीं होते मगर यार काम का आप लोग बदनाम कर रहे हैं सबको। मैं ऐसे पूछ रहा था, मतलब आपको सही बराबर पैसे मिल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, टाइम पे, टाइम पे मिल रहे हैं, टाइम पे मिल जाते हैं यार। अपने साथ ही कास्ट कर लो किसी प्रोजेक्ट में हमें। आज भाई सवाल आते हैं, चलें सर ये बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ये बताइए बच्चे दो ही अच्छे या जितने भी हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं अच्छे होते? बच्चे दो ही अच्छे। ये बताइए सी व्यू पे जाएगा पानी में नहाना या रेत में बैठना? पानी में नहाना। ये बताइए पहाड़ों में घूमना या सड़कों पे घूमना? पहाड़ों पे घूमना। ये बताइए कम दोस्त या बहुत ज्यादा दोस्त? कम दोस्त। ये बताइए कि अगर डिकार आ रहा हो तो मुंह पे मार देंगे साइड पे आके मारेंगे? डिपेंड्स कौन है सामने। ओ, कौन होता तो मुंह पे मार देते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं बदनसीब कौन है जिसके मुंह पे आप भाई, मतलब आप अगर बेतकल्लुफ लोगों में बैठे तो शायद आपको वो लोग जो सेट पे केमिस्ट्री नहीं बनाते। हाँ। ये बताइए नाखून खुद काटते हैं मेनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं? खुद काटते हैं, खुद काटते हैं। ये बताइए शेव जो है हर हफ्ते करवाते हैं या जब बहुत बढ़िया तब जाके करवाते हैं? हर हफ्ते, हर हफ्ते कराते। ठीक है, ब्लैक पसंद है या व्हाइट पसंद है? व्हाइट। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। सज्जल या फिर सबूर? सज्जल। क्यों सबूर ने क्या किया यार? इतनी प्यारी छोटी मुन्नी, प्यारी चीज है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने अभी उनके साथ काम किया। नाम क्यों नहीं लिया? लेकिन अच्छा, नाम भी किया, फिर भी नहीं, नहीं काम भी मैंने नहीं, मैंने मुझे कुछ सीरियल्स ऐसे जो मुझे सज्जल के बहुत ज्यादा पसंद आए। ठीक है, मतलब सबूर ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही? कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ब्रिलियंट एक्टर। नाम क्यों लिया? दो का ले नहीं सकता ना। हाँ ये ठीक है, एक का। वेरी गुड। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, विंटर्स या समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? ऑटोग्राफ। इम्प्रोवाइजेशन या फिर स्क्रिप्ट? इम्प्रोवाइजेशन। को एक्टर से दोस्ती या रिजर्व? दोस्ती। फवाद चौधरी या फवाद खान? फवाद खान। क्यों चौधरी नहीं पसंद है इनको यार? फवाद चौधरी को नहीं आता काम, पॉलिटिक्स यार नहीं करता वो। कौन फवाद चौधरी? फवाद जी तो कौन है यार? फवाद चौधरी का नहीं पता इनको। काली बी को देखिए। काली बी को। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आदमी पूछिए। अच्छा सर ये बताइए कि सोते वक्त पूरे कपड़े पहनते हैं या तकरीबन कपड़े पहनते हैं? तकरीबन। ये बताइए कि अगर शर्ट के अंदर कुछ पहनना हो तो वो टी शर्ट होगी या बनियान? बनियान। ये बताइए खुला चड्डा या तंग चड्डा? खुला चड्डा। क्या वार्डरोब का सवाल आप कर रहे हैं भाई? पूरा फ्लो आता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, खुला या फंसा हुआ? कोई दरमियाना सा नहीं होता? हाँ कोई मुनासिब अपने साइज़ मुनासिब वो दरमियाना, या तो खुल जाते या दूर दूर के कस जाते। तो इन फ्यूचर क्वेश्चन है ये, खुला फ्यूचर टेंस में सवाल हो रहा है आपसे। अच्छा चले इसको ये बताइए, खुला चड्डा, खुला चड्डा ना। अच्छा ये बताइए भुट्टा या मकई? मकई। ये बताइए गोलगप्पे या मीठी पूड़ी? गोलगप्पे। ये बताइए गोला गंडा डंडे पे लगा के या चम्मच के साथ खाते? डंडे पे लगा के। ये बताइए चाबी जो है खाली गाड़ी स्टार्ट करने के काम आती है या कान इस्तेमाल करने भी काम आती है? कान साफ करने के काम भी आती है। वेरी गुड, मर्द की यही निशानी। हाँ अच्छा ये पता है हाँ कान साफ करते हैं। अच्छा और कोई निशानी नहीं मिली मर्द की? चाबी से खाली, मतलब वो भी कान खुजाते हैं? हाँ और देखे ये देखे, मैं हमेशा बताता हूँ लोगों की चाबी से हाँ कभी भी कान इस तरह साफ नहीं किया जाता है। अच्छा। ये नहीं होता, ये आप गलत होता है। असली तरीका है कि चाबी आप लें, ठीक है उसके रखें, पहले आपने स्लो स्लो शुरू करना है। ओके, जगह ढूंढनी है, जैसी वो उस पर हिट करे फिर आहिस्ता 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 करते, फिर जैसी मजा ना लगे। मैंने देखा कुछ लोग स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ ये होता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि फहद मुस्तफा या मुस्तफा कमाल? फहद मुस्तफा। यार मुस्तफा कमाल ने इतना काम किया, जौहर के छोटे छोटे बच्चे जिन सड़कों पे घूम रहे हैं ना वैसे उसकी वजह से घूम रहे हैं। मुझे मुझे वैसे अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं है। मांग रहे नहीं, अब तो मांग रहे हैं ना। अच्छा मांग रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब बड़े अच्छे आदमी होंगे हैं, और मगर मैं इतना पॉलिटिक्स को इतना फॉलो नहीं करता, तो मगर मैं फहद भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, मैं उनको कहता भी हूँ जब मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपका बहुत बड़ा। लेकिन मुस्तफा कमाल भी अच्छे एक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपने बजा फरमाया है ना। ठीक है, मैं भी शायद या माहिरा खान? माहिरा खान।
आई डोंट गेट इट, आई डोंट गेट इट. इतने एपिसोड कर लिए, महवेश रियाज का कोई नाम नहीं ले रहा, उनका बुटॉक्स का इतना खर्चा हुआ है इस इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन नाम नहीं ले रहा कोई उनका. नहीं पसंद लोग, आप पूछो यार क्यों नहीं नाम ले रहे यार. भाई आप क्यों नाम नहीं ले रहे महवेश रियाज का? अच्छा ये तो नाराज हो. हाँ जी बताइए, महवेश रियाज क्यों नहीं और माहिरा खान क्यों? क्योंकि माहिरा के साथ मैं माहिरा को बहुत पुराना जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, और उनका मैंने काम भी ज्यादा देखा हुआ है. महवेश का काम मैंने इतना नहीं देखा हुआ और मैंने उनको इतना पर्सनली भी मैं उनको नहीं जानता हूँ. तो माहिरा देखा आपने टीवी? टीवी वैसे देखा, टीवी फिल्में देखी कम देखी आपने? बॉलीवुड टीवी देखा जिसमें महवेश रियाज का मुंह आता? हाँ देखा होगा. मतलब जी मैं नोट करता हूँ, ज्यादा क्लोज भी काम करती हूँ, उनसे मुंह आ रहा था. अच्छा ठीक है, ये बताइए कि घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना. अच्छा इमरान खान या इमरान अशरफ? इमरान खान. इमरान अशरफ नहीं पसंद यार, एक बंदा पसंद है. मैंने कब कहा मुझे यार, आप इतने जोर से बोल रहे हो तो ये मतलब है ना कि इमरान अशरफ अहमी है भाई. वो अवार्ड जीत जीत के आ रहा है लड़का, क्या क्या कर रहा है, नाम ही नहीं ले रहे उसका. इतना अच्छा एक्टर यार. मैं इमरान अशरफ का फैन हूं वैसे. हाँ. लेकिन इमरान खान ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. हाँ. क्यों, दो तीन ही तो गाने बनाए पहले एल्बम के बाद, तो आए नहीं मार्केट में. अरे मैं हमारे वजीर आजम की बात कर रहा था बस. ओह सॉरी. मतलब आप वापस आ जाएं. आप कहाँ जा रहे थे बस? सॉरी सॉरी, मैं बोला था मेरा एम्पलीफायर फायर या मतलब पूछ रहा था. अच्छा ठीक है जी, मुश्ताक अहमद या शेन वॉन? मुश्ताक अहमद. मुश्ताक अहमद यार, ये पूछिए. अच्छा सर ये बताइए, सब्जियां या फ्रूट? फ्रूट. ये बताइए गाजर या केला? गाजर. ये बताइए फ्रेश फ्रूट का जूस या फ्रेश वेजिटेबल का जूस? फ्रेश फ्रूट्स का. फ्रेश. ये बताइए लंबी लड़कियां पसंद है या छोटे कद की लड़कियां पसंद है? दरमियान है तुम यार, या तो वहां चले जाते हो यहां चले जाते हो. क्या बोलूं, 6 मैं क्या बोलूं, 6x3 इंच की लड़की पसंद है या 3x3 इंच की पसंद है? नहीं आप बोले, मतलब आपको कोई मतलब 5-10 वाली लड़की सही. लड़की कैसी पसंद है, कैसी? 5-10 या 5-5? क्योंकि मैं 6 दूं तो 5-10. लड़कियां कौन सी ज्यादा पसंद है, जो बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, जो नेचुरल ब्यूटी में आ जाती हैं? नेचुरल ब्यूटी में आ जाती हैं. ये बताइए अगर किसी के साथ डिनर पे जानो तो वो कैंडल लाइट डिनर होगा या कैजुअल डिनर होगा? कैजुअल डिनर होगा. कैजुअल डिनर. गाड़ी पे घूमेंगे या बाइक पे? गाड़ी पे. जहाज पे या ट्रेन पे? जहाज पे. पाकिस्तान में या अमेरिका में? जहाज पे. नहीं नहीं अच्छा, कहाँ ज्यादा क्या पसंद है आपको? पाकिस्तान में तो घूमते ही रहते हैं, अमेरिका में घूम लेंगे. अमेरिका ज्यादा पसंद है आपको? अमेरिका गया था. ज्यादा पसंद की बात नहीं, पसंद नहीं है. नहीं. जो मिट्टी आपको काम दे रही है वो आपको मिट्टी पसंद ही. अच्छा ये बताइए ननियाल या ददियाल? ये बहुत मुश्किल सवाल है. वो तो हमें पता है, पूरा खानदान ऐसा यूं बैठा होगा टीवी को. किसका नाम लेगा बताओ. हाँ जी ननियाल या ददियाल? ननियाल. क्यों ददियाल नहीं पसंद यार? अबू अली बाप का नाम लगा हुआ है नाम के आगे, उसके खानदान को नहीं लगा रहे यार. क्या बात है, क्यों नहीं पसंद आपको ददियाल? मैं जान डिसअपॉइंटेड. अब हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए. बताइए जी क्यों ननियाल के साथ? क्योंकि ज्यादा वक्त गुजर रहा है. ज्यादा वक्त गुजर रहा है. ज्यादा वक्त गुजर रहा है, कजन उनके साथ ज्यादा दोस्तियां हैं और उनके घर आना जाना ज्यादा रहा है. ठीक है तो उनसे ज्यादा दोस्ती. ये आपके नाम के आगे जो बेग लगा हुआ है ये उर्दू वाला इंग्लिश वाला है? क्या मतलब इंग्लिश वाला कौन सा होता है? इंग्लिश वाला होता है कास्ट वाला, उर्दू वाला होता है वो बेग पकड़ जरा बेग में सामान डाले. बेला वजा, बेला वजा. बहुत शुक्रिया आदि भाई, बहुत शुक्रिया. अच्छा ये बताएं मामू या खाला? मामू. खाला नहीं पसंद यार? यार खाला में तो माँ की झलक होती है बॉस. मामू में क्या होती है? मामू फारिग ही होता है. मैंने कभी कोई काम का मामू नहीं देखा. मामू सारे होते हैं, बिरयानी लग गई लग गई, वो फारिग की समस्या ले रहा है. ऐसा होता है देखो, सब बोल सब आते हैं, सबको अपने अपने मामू नजर आए. अच्छा ये बताइए सालगिरह पे पार्टी करना है या सुकून से टाइम गुजारना? सुकून से टाइम गुजारना. ये बताइए कि दोस्तों को जाके हेल्प करना या दोस्तों को कहना भाई तेरा मसला तू निपट? धैर्य. हेल्प करना. फड्डे में क्या करते हैं, पहले चमाट मारते हैं या पीछे हट जाते हैं? पहले चमाट. ये भाई लड़का मतलब माशाल्लाह देखो यार कैसे देखो? लड़के को देखो. नहीं मतलब देखे ना आपको लगता है ये पिटने वाला लगता है आपको कहीं से? नहीं नहीं अक्सर लेकिन होते हैं लंबे लड़के पिटने वाले, वो सिर्फ अपने कद पे चल रहे होते हैं, जब उनसे 2 इंच बढ़ा जाता ना तो वो घबरा जाता. अच्छा ठीक है आखिरी 2 इंपॉर्टेंट सवाल जी. आदि भाई एक पूछेंगे एक मैं पूछूंगा, आपने जरा सोच समझ के जवाब देना, ये थोड़ी गंभीरता की तरफ है. खत्म हो गया आपका मारा. असल में ये होता है कि हम लोग मजाक इसलिए करते हैं ताकि आखिर में जब हम काम की बात करें तो लोग शायद सुन ले. होगा ये कि जब आप ये जवाब देंगे तो आप देंगे और ये टीवी पे एक बार चलेगा या 2 बार चलेगा,
लेकिन आपकी बेगम, आपका ससुराल, आपके खानदान, आपके होने वाले बच्चे और उनके बच्चे इसको हमेशा देखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे रहेगा। हाँ। तो आप जो भी जवाब दें प्लीज सोच समझ के दीजिएगा, और हमारी फिर जिम्मेदारी नहीं है ऐसे ही है कि अगर कल को आपको कोई गलत बात कहे। बिल्कुल, क्योंकि लोग वो डिस्क्लेमर भी अक्सर काट के वो कहते हैं क्लिक करके देखे जैन ने क्या बेहूदगी की। ठीक है, तो ये जवाब आपने सोच समझ के देना है कि पहले मैं आसान सवाल पूछूंगा आपसे। पहला सवाल ये कि आप ये बताइए कि इन में से आपको, मतलब पर्सनली आपका जो तजर्बा है जिंदगी में, आपको बेहतर कौन लगता है, टीवी वन या कोई और चैनल? तो कौन टीवी वन? अरे यार समझ सीमा में, ये जो गेस्ट ना ये हमारी तनख्वाह बढ़वाएंगे। थैंक यू गेस्ट, थैंक यू सो मच। आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, जरा गंभीरता दीजिएगा भाइयों। हाँ, ये देखें, अब मजाक नहीं, अब मजाक बिल्कुल खत्म हो गया आपका हमारा, ठीक है ना? अब आपने सीरियस जवाब देना है, वो दिल पे हाथ रख रहे हैं बाकायदा। अच्छा जी, आपने जवाब देना है सोच समझ के, आप कर ले पहले सर, हो गया? ठीक है, आदि या फैजान? कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, कोई रीजन नहीं होगा, सिर्फ जवाब। और वो मत कीजिएगा आदि फैजान, फैजान आदि, ये हमारे साथ बहुत दफा हो गया लेकिन नहीं। बेगम, बच्चे, ससुराल, खानदान सब देख रहे हैं, और वो मामू भी देखेंगे जिनको आप पसंद करते हैं, ये वाले मामू भी, और वो खाला भी देखेंगी जिनको आप पसंद नहीं करते, और वो ददियाल भी देखेगा जिसको आप पसंद नहीं करते, महवेश हयात भी देखेंगी, महवेश हयात भी देखेंगी, फवाद चौधरी साहब भी देखेंगे। बताइए आदि या फैजान? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपने आप को सेव करूं या मैं आपको सेव कर लूं राइट साइड? ये आपकी मर्जी है, आपके हाथ में, आपके साथ अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है। चले फिर खेलते हैं, मुझे फैजान शेख ज्यादा पसंद। अरे बचा, लड़के ने कहा आने दो, मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा, क्या होगा आगे, क्या होगा। ख्वातीन और हज़रात, लड़के ने रिस्क ले लिया, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है ज़ैन बेग, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि दिल मजद, उनके साथ मौजूद है ज़ैन बेग, उनके साथ मौजूद हूं मैं। वेरी गुड सर, सीन कुछ ऐसा है कि हमने हर शो में हम एक गेस्ट को इनवाइट करते हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ एक टैलेंट को भी इनवाइट करते हैं जो कि यहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस करता है। जबरदस्त, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं, लोगों को इतने मौके नहीं मिलते, तो हमारी कोशिश है कि कुछ लोग यहाँ पर आएँ और अपना टैलेंट शोकेस करें। और अब तक जितने लोग आए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं, आज भी हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है अली हसन जी? अली हसन एम डी। अली हसन एम डी, एम डी अब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर वाला है या मोमना दुरेद वाला? ये नहीं, एक राज है, ये एक राज है। अब ये जब तक आप बताएंगे नहीं, ये तो तुमने गलत आदमी के हाथ में दे दिया, बस बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे, और ना चौंके तो फिर भी चौंक जाएंगे। अच्छा बताइए क्या है ये एमडी? एमडी का मतलब मेहदी। मेहदी जी, ठीक है। मेहदी का मतलब ये है कि मैं उन घराने से, ठीक है, मेहदी हसन साहब के घराने से। अरे यार जबरदस्त, आज तो हमारे यहाँ मजे चल रहे, क्योंकि मतलब मैं मेहदी हसन साहब के जो बड़े भाई थे ना, पंडित गुलाम कादिर साहब, जिनकी रूना लेना शागिर थी और बड़े शागिर, जी जी जी, तो मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ। अरे जबरदस्त यार, तो ये तो आपसे पूछना ही फजूल है कि आप कब से गाना गा रहे हैं और आपने कहाँ से सीखा, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछेंगे आप कब से गाना गा रहे हैं। मैं 7 साल की उम्र से गा रहा हूं। 7 साल की उम्र से गा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कितने साल के हैं? मैं भी 21। अच्छा मुझे होता है 7 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि आपको गाना गाना आता है? मैं मेरे भाई कोरियोग्राफर हैं, आमिर नाम है उनका, फोटोग्राफर है, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर हैं जी, तो मैं वो डांस करते थे, तो मैं उनके साथ साथ ना कोई गाना चला, जैसे रात फरीदी खान साहब का गाना चला था, तो मैं उनके साथ गाता था, ठीक है। तो ऐसे 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 करके ना मैं कॉलेज, स्कूल में, कॉलेज में ना फर्स्ट प्राइज लेकर आता था, साथ साथ जो है ना फिर मुझे चैनल्स वगैरह में भी मैं ना परफॉर्म कर चुका हूँ, ऐसे ही ऐसे ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, जबरदस्त यार। तो अच्छा, काफ़ी चैनल पर मैंने जो है ना विन भी किया है, ठीक है। मुझे बताएं अब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसके गाने शौक से सुनते हैं? मैं ज़्यादातर अपने घराने, मतलब मेहदी हसन साहब हो गए, ठीक है, सज्जाद अली हो गए, शफकत अहमद अली हो गए। जबरदस्त सर, आप हमें क्या सुनाने वाले आज? मैं आपको सुनाऊंगा वो नदीम अब्बास का है, गड्डी तू मंगाते। अरे वाह जबरदस्त, चलिए सर उम्मीद करता हूँ आज की परफॉर्मेंस के बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी पसंदाई मिलेगी, बेस्ट ऑफ लक। तेनू छड़िए देखा मरिए, दिल तेनू दे बैठे, हुण करिए ता की करिए, तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहदियां
तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी आ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दे हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दे हाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी मैनू सैया कहनिया तेरा लैके मैनू छेड़ दिया सखियां तक ले आना तेनू बिच मेरी अखियां ना तेरा लैके मैनू छेड़ दिया सखिया तक ले आना तेनू बिच मेरी अखियां सोने अखां वाले तेनू वेंदी रहंदियां सोने अखां वाले तेनू वेंदी रहंदियां जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी आ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी आ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दे हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दे हाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी आ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी आ मैनू सैया कहनी लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी पीड़ विच यार नहीं लभदा लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं लभदा दुनिया दी पीड़ विच यार नहीं लभदा दिल नहीं मनदा जे मैं तैनू वेंदियां दिल नहीं जे मैं तेनू वेंदियां जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनियां जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनियां मैनू सैया कहनियां बोल और पंजाबी बड़ी खूबसूरत जबान है मैं नोट किया है ना और उसको इस तरह में यहाँ से गाना भी बहुत बड़ी बात है एक छोटी सी फरमाइश आप बिल्कुल जी जी कि हमारे जो गेस्ट बैठे हैं वो चाह रहे थे कि अगर आप मेहदी हसन साहब का कुछ गुनगुना दें एक गजल बहुत फेमस है रंजी सी सही दिल ही दुखाने के लिए आने दो ठीक है क्या बात मुझे छोड़ के जाने की
दशी सहे दे दुखाने ले किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना सर बहुत उम्दा बहुत सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आप अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं सबसे खूबसूरत और मैंने इनके गाने गाते हुए एक चीज रियलाइज की कि जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अपॉर्चुनिटी के टाइम पे सही डिसीजन लेना कि जो ये गाना गाने आए थे वो बहुत अच्छा आपने गाया लेकिन आपने इस रिक्वेस्ट पे जो परफॉर्म किया थैंक यू दैट वाज बार्स अपार्ट पूरी उम्मीद है कि इस परफॉर्मेंस के बाद यकीनन आपको पज़ीराई तो मिलेगी और कामयाबी भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपका जो टैलेंट है ना बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और दो प्रोजेक्ट जिनकी वीडियो शूट होने वाली है तो मैं चाहता था कि ना मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं सर आप जब वीडियो आपकी जब बन जाए ना जी तो आप कोशिश कीजिएगा हमें दे दें हम कोशिश करेंगे अपने शो में उसको एक दफ़ा लॉन्च कर दें आप चलिए बड़ी मेहरबानी और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था जी कि मैं जो अल्फा कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर भी हूँ टीचर हूँ जबरदस्त यार आपके स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि उनके पास ऐसा टीचर है उनके पास है हमारे हमारे स्कूल में जो म्यूजिक टीचर था उसके आगे के दो दांत ही नहीं थे उसका साइन ही नहीं निकलता था वो दांत थे ही नहीं रुके तो लेकिन सर वक्त भाई जी ब्रेक का ब्रेक पर जाते हैं वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद है जैन बेग आप देख रहे हैं मजेदार शो वेलकम बैक जी आप देख रहे थे मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आदित्य तिलमजत उनके साथ मौजूद है ज़ैन बेग उनके साथ मौजूद हूं मैं और हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल मजेदार 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 मजेदार
आपसे एक सवाल होगा, उसके आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, आपने जवाब देना। अगर आप सही जवाब देंगे तभी आप बजर बजाएंगे, बजा के दिखाइए, बहुत महंगा वाला ये, बजाइए, वेरी गुड, नहीं डरे नहीं, आराम से बजाएं, जवाब के बाद बजेगा, 5 सेकंड होंगे कुछ ऐसे। ये हमारा ड्रामा जरा गुटका खा दे, स्लो थोड़े स्लो, ठीक है सर। तो तैयार हैं आप? चलें जी, 3 फेवरेट फ्लावर्स बताइए। रोज, लिलीज, सनफ्लावर। बजाना है, बजाना है, हाँ ठीक है। 3 फुटबॉलर्स के नाम बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और डिबाला। हो गया सर, आप बहुत स्लो खेल रहे हैं, आपको 5 सेकंड बहुत तेजी से निकल यार जाएंगे। 3 नाम तो देखो, इतने बड़े बड़े हैं। आप रोनाल्डो, मेसी और बेकहम बोल दे खाली। अच्छा ठीक है, शिजरा नहीं सुनाना आपने। ओके भाई। अच्छा, 3 स्वीट डिशेस बताइए। खीर, जर्दा और कोई भी मीठा। अरे वेरी गुड, ठीक है। 3 कंट्रीज जो सी से आती हों। ठीक है सर, कनाडा, चिली, कंबोडिया। नो सर, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इंटेलिजेंट नहीं बनाया मैंने, बहुत सारी है। ठीक है जी, 3 चीजें जो आप सुबह उठते ही करते हो। फोन यूज करता हूँ, बाथरूम यूज करता हूँ और कपड़े पहनता हूँ। वेरी गुड। और 3 चीजें जो आप सोने से पहले करते हो। ग्रीन टी पीता हूँ, खाना खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। वेरी, सोने से पहले वर्कआउट कर रहे हैं आप, वाह यार जबरदस्त। हाँ नहीं, वो तो दिख रहा है। ठीक है, 3 चीजें जो जिम में होती हैं। मशीन्स होती हैं, म्यूजिक होता है, ट्रेनर होता है। वेरी गुड, आदि भाई पूछिए। 3 ऐसी चीजें जिसमें नाक डाल सकते हैं। ग्लास, मग और यार मग बड़ा इंटेलिजेंट जवाब, तो मग में नाक चली जाती है। गुड यार, जबरदस्त। 3 ऐसी चीजें जिसमें आंखें डाल सकते हैं। आंखें डाल सकते हैं, किन चीजों में आंखें डाल सकते हैं भाई? चश्मों में, किसी के गिरेबान में। सर गलत जगह शो कर रहे हो बॉस। अच्छा, 3 ऐसी चीजें बताएं जो पतली अच्छी लगती हैं। आदमी, औरत और दाल। वाह भाई, उनको नहीं पसंद, गाड़ी दाल पसंद होगी। ठीक है, मुझे 3 एनिमल साउंड्स निकालिए। वो वो म्याऊ। ये जो बीच में था ये कौन था? लाइन, टाइगर, कुछ भी टाइगर था लेकिन उसकी आवाज बैठी हुई थी। बैठी हुई थी यार, 3 से 5 सेकंड थे। सही है, 3 एक्ट्रेस जिनका नाम ए से आता हो। अदनान सिद्दीकी, अली अंसारी, अली अब्बास। 3 ऐसी चीजें जो बिरयानी में डलती हैं। प्याज, चावल और चिकन। ठीक है, 3 मिठाइयों के नाम बताइए। बालूशाही, गुलाब जामुन और वाइट गुलाब जामुन। 3 मिर्चों के नाम बताइए। व्हाइट गुलाब, हरी मिर्च, लाल मिर्च और कोई बात नहीं। 3 देसी डिशेस के नाम बताइए। मुर्ग छोले, बिरयानी, कोरमा। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें बताइए जो पानी में होती हैं। मछली, पानी, रेत। मछली, पानी, पानी में मछली, पानी में पानी होता है, पानी में कहते हैं पौधे होते हैं। ठीक है, 3 पहाड़ों के नाम बताइए। हिमालय, कराकोरम, केटू। K2, कोई बात नहीं। 3 ऐसी चीजें बताएं जो गोल भी होती है और नरम भी होती है। बॉल, पेड़ा, तरबूज। तरबूज नरम, तरबूज नरम कहाँ से होता है? तो क्या होता है, सख्त होता है, दांतों से कैसे खाते हैं? नरम ही होता है मतलब। नो बॉल, ओवर एक्टिंग के पैसे काटो। नहीं बॉस, कीनू, कीनू हो सकता है, कीनू हो सकता है। ठीक है, अच्छा, 3 ऐसे एक्ट्रेस जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। हुमायूं सईद। 3 रेसलर्स के नाम बताइए। रॉक, ट्रिपल एच और ब्रेट हार्ट, समथिंग हार्ट। ब्रेट हार्ट, या। 3 ऐसी चीजें जो निकल जाए तो खुशी होती है। उधार निकल जाए तो खुशी होती है। नहीं पता नहीं, कमेटी, कमेटी और क्या, लॉटरी, लॉटरी। हाँ ठीक है, अच्छा, 3 चीजें जो आप नहीं खा सकते। लाल मिर्च। लाल मिर्च खा सकते हैं यार? मैं नहीं खा सकता भाई। नहीं भाई, डिशेस में तो होती है ना लाल मिर्च, आपको कच्ची थोड़ी खानी। कच्ची खानी नहीं भाई। अच्छा, 3 राइमिंग नेम्स बताइए। राइमिंग नेम्स? हाँ नहीं यार, हिना सना, हिना सना। अच्छा इस तरह से, नाजिया, शाजिया। समझा नहीं था सवाल आप। 3 चीजें बताएं जिसे इंसान उड़ सकता है। उड़ सकता है, कोई भी सरप्राइजिंगली कोई खुशी हो जाए तो, पता नहीं क्या भाई। 3 फेवरेट डायरेक्टर्स के नाम बताइए। नदीम बेग, असद जबल, मोहसिन तलत। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसमें से बदबू आती है। पुराने मूवियों में से। हाँ लेकिन एक बताया ना आपने। 3 फेवरेट एक्ट्रेसेस बताइए। एक्ट्रेसेस, मायरा खान, सजल अली, सना जावेद। 3 ऐसी चीजें बताएं जिसको करने के बाद पोछा लगाना पड़ता है। कुछ भी खाना गिराने के बाद कोई चीज। 3 फेवरेट मेल एक्टर को बताते हैं आप। 3 फेवरेट मेल एक्ट्रेस बताएं। फवाद खान, फहद मुस्तफा, हुमायूं, सईद। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जो आप कभी करना नहीं चाहेंगे।
मैं किसी को थप्पड़ मारना नहीं चाहूंगा, मैं किसी को बदतमीजी करनी चाहूंगा, मैं किसी से लड़ाई करना नहीं चाहूंगा। तीन ऐसी चीजें जो आपने कभी की और अब आप शर्मिंदा होते हो? बहुत ज्यादा लड़ाइयां की हैं, बहुत ज्यादा पहले बहुत बड़ेबाज था जो भी था। तीन ऐसी चीजें बताएं जो आप करके देख नहीं सकते। जैसे कि मैं एक्टिंग करता हूं तो मैं करने के बाद देख नहीं सकता। अच्छा। मैं अगर किसी का कतर कर दूं तो उसको कतर करके देख नहीं सकता। अच्छा। मैं अगर किसी को रुला दूं तो उसको रुलाने के बाद देख नहीं सकता। ओए ओए वाड़ा यार, वाड़ा। I'm a daddy bear, I'm a daddy bear। वेरी गुड। आइए जी, आगे जी। आइए आइए भाई। मैंने बहुत बुरा खेला। नहीं सर, ये कि मुझे एक सवाल लग रहा है। नहीं, ये सवाल नहीं, आसान काम है। आसान हो गया। वक्त है जी, मूव ऑफ द डे का। एक बीट जो शुरू से बज रही वही बजेगी। हाँ। आप एक बेसिक सा मूव कीजिएगा जो हम लोग भी कर सकें, तो हम भी वो मूव आपके साथ करेंगे, ठीक है ना? कसम से डांस करना है? डांस नहीं, मूव, कोई भी बेसिक मूव यार, एनीथिंग, मतलब बेसिक बेसिक, कोई अपने माइकल जैक्सन नहीं बनना, रिलैक्स। चले भाई, चले भाई, 1 2 को बजाओ। 1 बहुत बुरा। चल रेडी है? हां। ओए ओए, हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर गेस्ट यही बोले। आपको लिख के दिया था आपने, बिल्कुल वैसे बोला, वेल डन। आपको भी 300 ज्यादा मिलेगा। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, हमारे कुछ थोड़े से चाहने वाले वो भी शो देखेंगे। अगर आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज दैट कैमरा इज योर्स। नया साल शुरू हुआ है, सब खुश रहें और पुराने साल में जो जो कुछ बुरा हुआ उसको भूल जाएं। कोविड टाइम्स हैं, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और गिरदुनावा वालों का भी ख्याल रखें। ग्रेट। आदि भाई, आपका कोई मैसेज? नहीं यार, नहीं मैसेज, मेरी सुनते ही नहीं है ये लोग। कोशिश तो करो। नहीं, हमने इनको बोला मास्क पहनो, ये मास्क नहीं पहनते। फिर भी तुम अपना काम तो करो ना। इनको बोला अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल नहीं रखो, अपने हिस्से का काम करो। चलो भाई, मेरे हिस्से, मेरा ना आज का पैगाम है खास लोगों के लिए। मैं जाता हूँ एक दूसरे चैनल में, उसके पास से एक पुल गुजरता है, उस पुल के नीचे से एक रास्ता भी गुजरता है यार। अच्छा। तो उधर ना एक कॉम है हमारी गाड़ी वालों की और बाइक वालों की, जो रॉन्ग वे आते हैं, और वो क्योंकि सब मिलके आते हैं तो उनको लगता है वो ये राइट वे है। अच्छा। तो वो रॉन्ग वे आते हैं, लाइटें भी मारते हैं, ये भी करते हैं और वो ट्रैफिक को रोक लेते हैं। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना आठ आने का पेट्रोल बचाने के लिए लोगों से गालियां भी सुनते हैं, अपनी जिंदगी भी खतरे में डालते हैं, उनकी जिंदगी भी खतरे, उनके खतरे, और फिर आप बातें करते हैं जी हमारे मुल्क ने हमें दिया क्या है। तो जो सड़कें दी हैं तुम लोगों को, तुम उसमें तो सीधा हो नहीं सकते, तुम्हें और क्या दें इसके अलावा। तो मेरी उनसे गुजारिश है, जितने भी ये गाड़ी वाले, बाइकों वाले, जितने भी लोग हैं जो रॉन्ग वे आते हैं ना यार, प्लीज, मतलब थोड़ी सी दूर एक कट होता है, आप वहाँ से जाके अगर सीधा तरह यू टर्न ले लेंगे तो कुछ मसला नहीं हो जाएगा। और ये सड़क तो आपके बाप की नहीं है ना, चाहे आपके पास ठेला हो, चाहे बाइक हो, चाहे लैंड क्रूजर हो, सड़क सबकी है। और दूसरी बात, ये मेरा, मुझे ना एक अजीब सा कंप्लेन है, जिससे पीछे मुझे हॉर्न बजते हैं, वो ये है कि जब भी कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा हो ना तो गाड़ी रोक लिया करें, ताकि वो रोड क्रॉस कर जाए। हमारे यहाँ पैडल पे और रेस दे दें कि ये खड़ा रहे और हम गुजर जाए। देखिए, वो पैदल है, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो आपकी गलती होगी इसके अंदर। बाहर के मुल्कों में इंसान को इंसान समझा जाता है, इसलिए वो दूर से इंसान देखे गाड़ी रोक लेते हैं ताकि वो रोड क्रॉस कर ले। तो ये अंग्रेज बनने की बात नहीं है, ये दुबई लंदन बनने की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। प्लीज़ अपने अंदर थोड़ी सी तो जगा ले, रोने में हम सबसे आगे होते हैं। आज ये कुछ नहीं हुआ, आज हमारे हालात, हमारी गवर्नमेंट, हमें कुछ नहीं, मिनिस्टर आखिरी टाइम पे आ जाता है, लेकिन हम भी कुछ कोई खास हरकतें नहीं करते इंसान हो। ठीक है जी, आदि मैंने जो कहा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा और आप लोग सुनेंगे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो आप लोग अगली वीक भी ट्यूनिंग कीजिएगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो यहाँ पे आके आप लोग शोकेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पर मजेदार शो पर हमें इनबॉक्स कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको यहाँ पर दावत दें। यू आर वॉचिंग द मजेदार शो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। गुड बाय, मजेदार 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 मजेदार।